यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी है। सुबह 6 बजे यमुना का जलस्तर 206.14 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में अभी भी कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। आईटीओ, यमुना बाजार, राजघाट में भारी जलभराव है। जलभराव की वजह से भैरव रोड बंद किया गया है और यमुना का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के पार है। 205 के ऊपर अगर होता है तो खतरा माना जाता है, लेकिन अब ज्यादा ऊपर नहीं है। जैसे पिछले दो दिनों में हमने देखा है कि 208.something मीटर दर्ज किया गया था यमुना का जलस्तर, लेकिन अब वो काफी कम हो गया है। 206 पर है फिलहाल यमुना का जलस्तर, जो ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पानी भरा हुआ है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से चार तस्वीरें आप देख लीजिए, दिल्ली के राजघाट, आईटीओ, यमुना बाजार और मयूर विहार की। काफी जलभराव अभी भी है, अभी स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। हालांकि अगर ये जो जलस्तर का रिकॉर्ड है अगर ये बना रहता है तो धीरे धीरे करके स्थिति सामान्य दिल्ली में होने लग जाएगी, लेकिन अभी तो फिलहाल दिल्ली डूबी हुई है। संकट अभी भी दिल्ली पर है और जितना सैलाब ये आ रहा है उतना ही वो लोगों की दिक्कतें भी बढ़ा रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है जिन इलाकों में, खासतौर पर जो डूब क्षेत्र हैं वहां से तो पहले ही लोगों को निकाल लिया गया था, और अब जहां जहां से भी कॉल आ रही है तुरंत प्रशासन मौके पर पहुंच रहा है। लेकिन जलस्तर जरूर कम हुआ है यमुना का, लेकिन लोगों की मुसीबत बिल्कुल कम नहीं हुई है। ना वहां से जलस्तर कम हुआ है, चाहे आप आईटीओ देख लीजिए, राजघाट देख लीजिए, यमुना बाजार देख लीजिए, मयूर विहार देख लीजिए, जो पहले जो जल भराव यहां पर हुआ था वही स्थिति अभी भी यहां पर बरकरार है। लगभग 3 से 4 दिन हो गए हैं तब से अब तक यहां पर भारी जल भराव बना हुआ है और उसका स्तर भी ज्यादा नीचे नहीं गया है। तो क्योंकि अगर यमुना का जलस्तर कम भी हो रहा है तो भी मुसीबत और संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि कल भी काफी तेज बारिश हुई है जिसके बाद और भी ज्यादा दिक्कत हो गई है कुछ क्षेत्रों में। जहां पर पानी बिल्कुल नहीं था वहां पर भी थोड़ा बहुत जलभराव हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं निगम बोध घाट से। प्रमोद, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल, निगम बोध घाट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है और निगम बोध घाट के अंदर ही पानी नहीं है बल्कि उसके सामने जो सड़क जाती है, जो रिंग रोड है और जो कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, ये आप तस्वीरें देख सकती है। यमुना का जल स्तर लगातार कम हो रहा है, खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन बावजूद इसके जितने भी निचले इलाके हैं रिंग रोड से सटे हुए वहाँ पर जो है वो पानी अभी भी भरा हुआ है। कई सड़कें जो है वो बैरिकेड लगाकर पुलिस ने बंद कर दी है क्योंकि पानी का स्तर अभी भी इतना ज़्यादा है कि गाड़ियाँ वहाँ से होकर नहीं गुजर पा रही हैं, लोगों को जाने में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। और साथ में जितना भी निगम बोध घाट या फिर उसके आसपास का इलाका है वहाँ पे पानी अभी भी काफ़ी मात्रा में जो है वो भरा हुआ है और यही वजह है कि पूरे रोड को जो है अलग अलग जगहों से, क्योंकि शांति वन, राजघाट से लेकर निगम बोध घाट और जो यमुना बाजार का इलाका है वो अभी भी पानी में डूबा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इसी उम्मीद पर है कि बारिश ना हो और धीरे धीरे करके ये पानी खत्म हो जाए। कुछ स्थानीय लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए पानी कब से है ऐसा आप ये को? पिछले 3 दिन से पानी है और मैं यहाँ का ही निवासी हूँ, मेरा नाम रजत बहुत है। क्या सरकार ने क्या मदद की आपकी? जी, दिल्ली सरकार के जितने भी कॉरपोरेटर्स है दिल्ली नगर निगम की कॉलोनी के अंदर, वो कोई किसी की समस्या पूछने नहीं आया, सबसे पहली बात ये है। दूसरी विषय ये है कि जब दिल्ली के नगर निगम में इनका शासन चल रहा है तो इनको लोगों की मदद करनी चाहिए थी। तो कैसे मदद पहुंची आप लोगों के पास? भाई साहब, पहली बात तो है ये है कि हमने सेल्फ डिजास्टर मैनेजमेंट को कॉल किया है, उसके बाद NDRF के लोग आए हैं। दूसरा क्या, ना कोई भोजन मिला लोगों को, बिल्कुल ये हम इतने क्वालिफाई है उसके बावजूद हमारा ये हाल है, तो लोगों का क्या हाल हो? निगम बोध घाट को भी बंद किया हुआ है, पूरा पानी है, पूरा आस पास एरिया पूरा फ्लोट पर है, लोगों को इतनी समस्या, निकलने बढ़ने में इतनी समस्या, महिलाओं को, बच्चों को, हमने सेल्फ निकाला है, रेस्क्यू किया है। बिल्कुल, ये स्थानीय निवासी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं या महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो यहाँ से जाते हैं, आने जाने का यही एक रास्ता है कश्मीरी गेट की तरफ, और जो कि पानी से पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है। और यही हाल कुछ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर
हम बात करें कि निगम बोध घाट को जो है बंद कर दिया गया है, और ये तस्वीरें आप ये देखिए, निगम बोध घाट के की तस्वीरें हैं, जो जिस रास्ते को पूरी तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद किया जा चुका है, और अभी भी यहाँ पर जो है पानी काफ़ी भरा हुआ है, सड़कें पूरी तरीके से लबालब जो है पानी के अंदर डूबी हुई है। यहाँ जिस तरीके से काफ़ी जो है यहाँ पे शवदाह होते थे, और निगम बोध घाट के अंदर के नज़ारा आप देख सकते हैं, पानी अभी भी बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ है, पूरा निगम बोध घाट जो है वो डूबा पड़ा है। और ये तस्वीर देख सकते हैं रिंग रोड की, कि जो यमुना का स्तर है वो 206.6 के करीब आ गया है, लेकिन अभी भी आप ये देख सकते हैं कि सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूबी हुई हैं, कुछ गाड़ियाँ ख़राब हो रखी हैं, लोगों को सड़क पार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में कल भी बारिश हुई थी और उसकी वजह से भी जो है जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और गनीमत यही है कि अभी मौसम जो है वो पूरी तरीके से साफ़ है, और लोग इसी उम्मीद में हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे तक बारिश ना हो, तब जाके जो है हालात वो सामान्य हो पाएंगे, क्योंकि अभी भी यमुना से सटे हुए जितने भी निचले इलाके हैं वहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, और जो पानी है वो बहुत ही धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि यमुना का जलस्तर भले ही थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उस तेज़ी से जो है वो पानी यहाँ से नहीं घट रहा है, और यही वजह है कि लोगों को परेशानी होनी उठानी पड़ रही है, क्योंकि रास्ते कहीं बंद कर दिए हैं, उन्हें डाइवर्ट किया गया है, और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठा रही है। राहत की बात यह है कि आज रविवार का दिन है, ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर बारिश फिर दोबारा से होती है दिल्ली के अंदर, तो ये समस्या का सामना आने वाले दिनों में भी दिल्लीवासियों को करना पड़ेगा। लेकिन जिस जितना पानी है त्रिकुंड बैराज से छोड़ा जा रहा था, उस पर भी काफ़ी रोक लगा दी है, और साथ में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है वो हरियाणा से दिल्ली की तरफ काफ़ी कम कर दिया है, और पानी जो है लगातार अब बह रहा है, ओखला बैराज के गेट खोल दिए हैं और उसके आगे से वो निकलता जा रहा है, ताकि अगर जो दिल्ली के अंदर यहाँ पर पानी का को रोक देते या कुछ होता, तो फिर जितने भी निचले इलाके हैं यहाँ पर बाढ़ का खतरा बना हुआ था, और दिल्ली ने करीब 45 साल का रिकॉर्ड टूटते हुए देखा है कि कैसे दिल्ली, राजधानी दिल्ली के अंदर जो है बाढ़ आई थी, जितने भी निचले इलाके हैं, और अभी भी हालत जो है वो जस की तस है, कई इलाकों में पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये निगम बोध घाट की तस्वीरें हैं, जिसे कि अस्थाई तौर पर ये बंद कर दिया गया है, यहाँ पे किसी का भी अंतिम संस्कार पिछले कई दिन से नहीं हो रहा है, जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक इसे आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। बाकायदा लोगों से अपील की गई है, या फिर जो भी यहाँ पर आना चाहता है उसको ये बताया जा रहा है, वो जहाँ पर भी रहता है उसके आसपास के जो शमशान घाट है वहाँ पर ही अंतिम संस्कार किया जाए, और ये पानी भरे होने की वजह से जो है यहाँ पर भी कोई अंतिम संस्कार नहीं हो रहा, और पानी कब निकलेगा इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि एक तरह से इस पूरी बारिश ने दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खोल दी है, कि किस तरीके से दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से चरमरा गया था, और इतना ज़्यादा पानी जो है सड़कों पे आ गया था, सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया था, ऐसे में जो लुटियन जो दिल्ली है उसमें भी पानी भर गया था, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि बारिश ने और जो पानी है यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खोल दी है, सरकार के उन दावों की पोल खोल दी है, जिसको वो हमेशा कहती है कि बारिश से पहले उन्होंने पूरी तैयारी कर ली गई है, तो ऐसे में जितनी भी सिविक एजेंसियाँ हैं, सरकार है, उनकी तैयारी कैसी थी, उसका उसकी पोल जो है इस बारिश ने और इस बाढ़ ने जो है वो खोल दी है, कि किस तरीके से लोगों को परेशान होना पड़ा, NDRF को, सेना को जो है वो उतारना पड़ा, और हज़ारों लोगों को रेस्क्यू कराया गया, मवेशियों को रेस्क्यू कराया गया, लेकिन अभी भी हालात पूरी तरीके से सामान्य नहीं है, और इन हालात को सामान्य होने में अभी भी कुछ दिन लग सकते हैं। हाँ बिल्कुल प्रमोद, जैसा कि हमने कल भी देखा कि कल लगभग 1-2 घंटे की बारिश हुई है दिल्ली में, लेक यमुना का जलस्तर कम हो रहा है, लेकिन जो जल जहां पर भी जमा हुआ है वहां से कम नहीं हो रहा है, और मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि ये बताया गया था पहले कि 5 दिनों तक दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। बिल्कुल, मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक बारिश जो है दिल्ली में काफ़ी तेज हो सकती है, येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया था पहले, और उसके बाद जो है बारिश हुई भी है, और बारिश की वजह से ही जो पानी कम हो रहा था वो दोबारा से जो है
जो निचले इलाके हैं वहाँ पे वाटर लॉगिंग देखी जा सकती है। और क्योंकि जो निकासी है पानी की, सबसे बड़ी समस्या यह है कि पानी की निकासी उस तेज़ी से नहीं हो पा रही, क्योंकि यमुना जितने भी ये नाले थे या फिर ड्रेनेज सिस्टम था यमुना में जाते थे, यमुना में पहले ही जो फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। यमुना जो है अपने खतरे के निशान से भले ही थोड़ा नीचे बह रही है, लेकिन पानी का फ्लो अभी भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए इस पानी को निकलने में दिक्कत आ रही है। और पानी धीरे धीरे कम होता है तो बारिश का सितम जो है वो दिल्ली वालों के ऊपर आ जाता है कि बारिश, थोड़ी देर की बारिश में फिर दोबारा से वाटर लॉगिंग हो जाती है। और ऐसे में अभी एक पानी कब तक कम होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खुद सरकार ने भी माना है कि इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो नाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो है और यही वजह है कि पानी जो नालों का है वो भी सड़कों पर आ गया था, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अगर हम बात करें रिंग रोड की, तो रिंग रोड में शांति वन है, राजघाट है, या फिर बाकी जो इलाके हैं यमुना विहार का इलाका है वो जो है ना वो पूरा जो है अभी भी निचले इलाके उन जगहों पर पानी भरा हुआ है। जो लाल किला है, लाल किले के पीछे पूरी तरीके से सड़कें जो है वो तालाब बन चुकी है, वहाँ से भी पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उतनी संख्या में मात्रा में जो है कम नहीं हो रहा, जिससे कि ट्रैफिक के लिए जो है सड़कों को खोला जाए। तो फिलहाल जो है भी दिल्ली वालों को कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, जब ये पूरी तरीके से सड़कें जो है ये खुल जाएंगी और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से चलाया जा सकता होगा। लेकिन फिलहाल जो है, क्योंकि कई सारी ऐसी सड़कें हैं जो निचली थी और वहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी की निकासी की जो व्यवस्था थी वो उस तरीके से नहीं है कि वो पानी बिल्कुल ही जल्दी निकल जाए, और इसीलिए कई सड़कों को जो है वो बंद कर दिया गया है आम लोगों के लिए, उन्हें डाइवर्ट होके काफ़ी घूम के जाना पड़ रहा है। लेकिन आज रात की बात यह है कि रविवार का दिन होने की वजह से जो है, और लोगों ने जो तस्वीरों में दिल्ली की हालत देखी है, तो लोग भी खुद इन सड़कों पर आने से बच रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे।